सॉरी मिस्टर सिंह, वो एक्चुअली हाँ वो एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए जाना पड़ा हमें। वो तो हम पहले ही समझ गए थे जी। बताइए क्या करना है? पहले तो ये बताइए आप लोग कि केस कंटिन्यू करना है या नहीं। अर्जेंट कॉल से पहले भी आपने काफी टाइम लिया साइन करने में, उसके बाद आप बाहर चले गए। अब तो हमें ये शक होने लगा है कि आपको डिवोर्स चाहिए भी या नहीं। ये लीजिए साइन कीजिए प्लीज, ताकि हम केस फाइल कर सके। बात हुई मानती से कुछ नहीं? तुम्हारी बात हुई? हाँ, अनमोल काफी सीरियस लग रहा था। आई नो उन्होंने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की, पर वो दोनों कंफ्यूज थे, स्पेशली मानसी, क्योंकि घर पे सबने उसकी बात को अपोज किया और गुस्से और नाराजगी में वो घर से भाग गई। अनमोल तो उसके पीछे गया था ताकि वो उसे अकेला ना छोड़े। तो तुम्हारा मतलब दोनों साथ नहीं भागे थे? नहीं, मैंने अनमोल के फोन में मानसी के मैसेजेस देखे थे जिसमें उसने लिखा था कि वो घर से भाग रही है और अगर अनमोल ने उसका साथ नहीं दिया तो भागा चाहे जो भी हो, पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ वो गलत था। मेरी बहन ने डिसाइड किया होगा उस होटल में जाने के लिए ना? पैसे नहीं होंगे उनके पास शायद, इसीलिए सस्ते होटल में गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है दोनों सीरियस है भी इस रिलेशन को लेके या नहीं? पता नहीं, तुम्हें बेटर पता होगा शायद। तुम्हें मेरी बात पे यकीन है भी या नहीं? चले सर जी, कब से वेट कर रहे हैं आपका? सॉरी, एक अर्जेंट कॉल करने गया था। थैंक यू प्लीज मैम, प्लीज। साइन कीजिए प्लीज, प्लीज मैम। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, कहलाता है? आप लोगों ने तो ये गलत साइन कर दिया, देखिए। देखिए मैडम, पेपर्स कोई भी हो, पढ़कर साइन करना चाहिए। ये एक और सबूत है सिंह साहब, देखिए मैंने कहा था ना। सही कह रहे हैं शर्मा जी, इन दोनों को देखकर लग नहीं रहा
ये जो कह रहे हैं वो चाह भी रहे। ऐसी बात नहीं है, गलती से हो गया। आप हमें दूसरे पेपर दे दीजिए, हम उस पे साइन कर देंगे। ये लीगल डॉक्यूमेंट है मैडम, कल नए बनवाने पड़ेंगे, वैसे भी आज कोर्ट बंद हो चुका है। अच्छा, ये आप लोगों के पास एक दिन का वक्त और है, अच्छी तरह सोच लीजिए और फिर हमें बताइए कि क्या करना है। क्यों साइन नहीं कर पाए हम दोनों? क्यों हर बार ऐसा हो रहा है? क्या मतलब है इसका? ये तो कार्तिक का फोन है, पर मेरे पास कैसे? इसका मतलब मेरा फोन उसके पास होगा। हमने अनमोल के बारे में पता लगा लिया है मिस्टर गोयंका का। कार्तिक ने अनमोल के बारे में किसी से पता करवाया? He seems clean, no drugs, no cases, nothing. बाकी डिटेल्स ईमेल पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमारी तरफ से क्लीन चिट है, आप ये रिश्ता कंसिडर कर सकते हैं। प्लीज अपने फीडबैक में ये मेंशन करना मत भूलिएगा कि हमने एक घंटे से कम टाइम में आपको सारी। एक घंटे से भी कम? मतलब कार्तिक ने कब कहा उनसे ये सब पता करने को? पूरा टाइम तो हम साथ में ही थे, और मैंने उसे बताया भी था अनमोल के बारे में। इसका मतलब इसके बाद भी उसने मेरी बात। किसका फोन है? नायरा का फोन मेरे पास कैसे? हेलो, हाँ, पर क्यों? नायरा, ये तुम्हारा फोन, वहां से शायद निकलते वक्त हमने एक दूसरे का फोन उठा लिया था। कुछ कहना है तुम्हें? क्योंकि फोन एक्सचेंज तो हम कहीं भी कर सकते थे, मुझे यहां क्यों बुलाया वो भी इतना अर्जेंट? देखो, कुछ कहना है तो साफ साफ कह दो, ये सस्पेंस बना के कोई मतलब नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी बात हुई अनमोल से। हाँ तो? ये भी कहा था ना तुमसे कि अनमोल अब बदल गया है, सुधर गया है, मानसी को लेके बहुत सीरियस। पॉइंट क्या है नायरा? ये भी पूछा था ना कि तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं। नायरा साफ साफ बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। तुमने अनमोल के बारे में एक एजेंसी से पता करवाया, मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हें उस पे जरा भी यकीन नहीं हुआ। प्लीज तुम उस अनमोल के बारे में पता करो, इतने टाइम से लड़का बाहर रह रहा है, हमें नहीं पता ना क्या करता है, कैसे रहता है। हाँ करवाया मैंने पता, उसमें क्या है, सब करवाते। अपनी बहन का रिश्ता करवाने जा रहा हूँ, एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि लड़के के बारे में सब कुछ कंफर्म कर लूं। तुम्हारी इंटेंशन समझ सकती हूँ मैं कार्तिक, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मानसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्या? मैंने जो भी कहा अनमोल के बारे में तुम्हें उस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ? नायरा, हर इंसान का अपना तरीका होता है तसल्ली करने का। हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता लगाने की कोशिश की, तो इसमें इशू क्या है? इशू तो मेरा कुछ था ही नहीं कार्तिक, इशू तो हमेशा से तुम्हारे रहे हैं। मेरा क्या इशू है? इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया तुमने। बड़ा मैं बना रही हूँ? बड़ा तो तुम ऑलरेडी बना चुके हो कार्तिक। Forget it, Naira, I don't care. But I do. मैंने कहा तुमसे कि अनमोल सुधर गया है, सब बताया तुम्हें उसके बारे में, फिर भी तुमने एक एजेंसी से पता करवाया। क्योंकि वो लोग बायस नहीं है ना नायरा, रिश्तेदारी के असर में काम नहीं करते वो लोग। तुम्हारा मतलब मैंने रिश्तेदारी में? अगर तुम्हें इस बात से एतराज है कि मैंने एजेंसी से तुम्हारे भाई के बारे में पता लगाया तो ठीक है, रहे एतराज, मुझे कुछ गलत नहीं लगता उसमें। यही बात तुम मुझे कॉन्फिडेंस में लेके भी कह सकते थे ना। तुमने मुझे कभी कॉन्फिडेंस में रह के कुछ किया? कब नहीं लिया? कब किया नायरा? मेरे बार बार पूछने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या नहीं बताया कार्तिक? मैंने मानसी और अनमोल के बारे में और अनमोल नहीं, शुभम। तुम फिर वही बदले हैं हमारे बीच? क्योंकि वो हमारे बीच है और हमेशा रहेगा। कब तक ताना मारते रहोगे उसी बात को लेके तुम मुझे कार्तिक? जब तक मुझे हर्ट होता रहेगा नायरा। अच्छा मैं हर्ट हो रही हूँ? वो तुमने खुद बोया है, खुद काट रही हो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से शुभम नहीं रहा हमारे बीच। मैं शुभम की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ कार्तिक। जो सच है वो है नायरा। सच ये है कि मैं उसे बचाना चाहती थी, तुम क्यों मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? हाँ नहीं करता मैं तुम पे ट्रस्ट, नहीं कर सकता।
देख लिया तुम पे ट्रस्ट करके, देख लिया क्या मिला मुझे। जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ, शायद ये डिजर्व करते हैं हम दोनों के लिए डिवोर्स ही सही है। हाँ, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट ना हो ना वहाँ कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्ञान मत दो नायरा, तुमने कौन सा बहुत ट्रस्ट कर लिया मुझ पे? नहीं किया। कब किया? वहाँ स्विट्जरलैंड में जब तुम्हारे पापा की किडनैपिंग हुई तब। मेरे पापा कहाँ है कार्तिक? मुझे नहीं पता तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी कार्तिक। मेरे पापा पता नहीं पता मुझे। मैंने भी बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, हर जगह ट्राई किया लेकिन नहीं मिले मुझे वो। जानती नहीं थी मैं तुम्हें तब। और जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब? नायरा ने देख कुछ नहीं किया, मैं सच। हो गई गलती कार्तिक मुझसे, हो गई। तुमने भी तो। मैंने हमेशा तुम पे ट्रस्ट किया नायरा, हर बार तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं मैं। किया, बहुत बार किया, पर जब करना चाहिए था तब नहीं किया। हद होती है किसी चीज की नायरा। हाँ कार्तिक, वही मैं भी कह रही हूँ, हद होती है किसी चीज की। तंग आ गई हूँ मैं ताने सुन सुन के। और मैं तुमसे। बहुत सिर्फ शुभम की नहीं हुई थी कार्तिक, हमारे रिश्ते की भी हो गई थी। मर गया है वो। तुमने मारा है उसे, और जो मर गया ना उसको ढोने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है। हाँ, डिवोर्स। डिवोर्स। इस बार जब साइन करने जाएंगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा। जरूरत ही नहीं बच्ची अब सोचने की, फैसला हो चुका है। हाँ, हमारे लिए अब यही सही है। शायद। शायद नहीं, पक्का। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।